अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं आपके लिए प्ले डो की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि किड्स की मोस्ट फेवरेट है और आपको पता ही है कि इस पर आप कितने एक्सपेंस करते हैं, इसलिए आज मैं आपके लिए चीप कॉस्ट में प्ले डो की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि आप बहुत आसानी से और कुछ ही इंग्रेडिएंट्स से घर में बना सकते हैं। और वो 4-4 इंग्रेडिएंट जो इजीली आपके घर में ऑल टाइम अवेलेबल होते हैं, वो इंग्रेडिएंट्स हैं फ्लोर, सॉल्ट, बेबी ऑयल, हॉट वाटर और फूड कलर, लिक्विड फूड कलर। फर्स्ट स्टार्ट विथ फ्लोर, हमने मैदे को छान लेना है, उसमें कोई डस्ट पार्टिकल्स ना हो। उसके बाद 4 टेबलस्पून फ्लोर मैदा, 2 टेबलस्पून सॉल्ट, नमक, अगर आपके पास मोटा नमक है तो उसको ग्राइंड कर लें और भी पाउडर फॉर्म में कर लें। मिक्स फ्लोर एंड सॉल्ट टुगेदर, नमक और मैदे को मिक्स कर लेना है, यकजान कर लेना है। उसके बाद जब देखें कि दोनों मिक्स हो गए हैं अच्छी तरह से, देन इसके अंदर 2 टेबलस्पून बेबी ऑयल ऐड करना है। अगर आपके पास बेबी ऑयल नहीं अवेलेबल तो आप वेजिटेबल ऑयल कोई भी या ऑलिव ऑयल, आप इन दोनों तीनों में से कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट ओरिजिनल मार्केट जैसी प्ले डो अगर आपने बनानी है तो आप बेबी ऑयल प्रेफर करें, उससे बहुत अच्छी और स्मूथ प्ले डो बनती है। ऐड 2 टेबलस्पून बेबी ऑयल एंड मिक्स वेल, इसको एक यकजान कर लें कि उसकी कोई गुठलियाँ ना रहें उसमें। जब ऑयल और मैदा और नमक मिक्स हो जाए तो इसमें गर्म पानी ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा करके इसको थोड़ा सा क्वांटिटी में ऐड करें गर्म पानी को और उसको मिक्स कर लें, फिर थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करें और उसको मिक्स कर लें, ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना, इस तरह से नरम भी पड़ सकती है क्ले डो, इसलिए अगर बेहतर है कि आप थोड़ा थोड़ा ऐड करें। और इन केस अगर आपकी क्ले डो ज़्यादा नरम पड़ जाती है तो थोड़ा सा मैदा और थोड़ा सा नमक अगेन ऐड कर दें, सबसे पहले मैदा ऐड करें और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, और जब देखें कि क्ले डो थोड़ी सी हार्ड हो रही है तो उसमें नमक ऐड कर दें, फिर उसको थोड़ा सा दोबारा से जब मैश करेंगे तो वो अपनी फॉर्म में आ जाएगी। और हाथ पे बेबी ऑयल लगा लें ताकि वो आपके हाथ पे स्टिक ना करे। इन 4 इंग्रेडिएंट को अच्छी तरह से मैश मिक्स करके इसको हाथ से गूंदना है, जैसे हम मैदा या रोटी या आटा या कोई पिज़्ज़ा डो जैसे बनाते हैं, सेम वैसे हमने थोड़ा सा हाथ से मसल करना है, इसको मैश करना है, मिक्स करना है अच्छी तरह से। क्ले डो रेडी है। अब मेरी थोड़ी सी क्ले डो नरम पर लग रही थी मुझे, तो मैंने इसमें थोड़ी सी थोड़ा सा मैदा ऐड किया ताकि ये थोड़ी सी अपनी फॉर्म में आ जाए, और ये स्टिक कर रही थी इसलिए मैं इसको जो थोड़ा सा इसमें मैदा ऐड किया, 1 टेबलस्पून ऐड किया, और मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। आपने अगर क्ले डो को आप फ्रिज इस क्ले डो को आपने फ्रिज में रखना है और प्लास्टिक बैग में रखना है। अगर आप इसको प्लास्टिक बैग में नहीं रखेंगे और फ्रिज में नहीं रखेंगे तो इसमें स्मेल आने लग जाएगी, सेकंड इसमें फंगस लग जाएगी, थर्ड ये कि इसमें अगर आप इसको प्लास्टिक बैग में नहीं रखेंगे तो ये हार्ड हो जाएगी, और ये जैसे मार्केट क्ले डो होती है बाहर रखते हैं तो ख़राब होती है, ये भी सेम वैसे ही होती है। अब मैं इसको थोड़ा हाथ से मैश मिक्स कर रही हूँ ताकि ये जो स्टिक हो रही है ये ख़त्म हो जाए, और इसको जिस तरह हम मैश करेंगे ना उसका वैसे वैसे बेस्ट रिजल्ट होगा। और आपने तब तक इसको गूंदना है जब तक क्ले डो को इतना गूंदना है कि ये हाथ पे चिपक ना, ख़त्म हो जाए। मैं इसमें थोड़ा सा अपने हाथ पे बेबी ऑयल लगा रही हूँ, और ये देखें ये थोड़ा सा चिपक रही है, इसका मतलब इसमें थोड़ा सा मैंने मैदा ऐड किया था और नमक की कमी है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी। जब मैं इसके अंदर नमक ऐड करूँगी तो ये दोनों इसकी क्वांटिटी बैलेंस हो जाएगी और ये हाथ पे चिपकना जुड़ेगी। देखिए अब इसके मास्क काफ़ी हद तक बेहतर हो गई है। अब इसको थोड़ा सा रेस्ट पे रखूँगी और इसके बाद जो है इसको अगेन मस लूँगी। आप क्ले डो की स्मूथनेस देख सकते हैं कि इसमें कोई लम्स नहीं है, इसमें कोई मतलब कोई हार्ट नहीं है, कितनी सॉफ्ट है और कितनी इजीली आप ये स्टिक करना बंद कर दिया और ये कितनी मतलब इजीली अपने आप को अलग कर लिया। इस फॉर्म में आपकी क्ले डो होनी चाहिए। अब आपने इसको थोड़ा सा रेस्ट पे रखना है
थोड़ी देर 5 मिनट आपने इसको जो है ना छोड़ देना है और किसी प्लास्टिक बैग में रख दें और थोड़ी देर के बाद इसको आपने अगेन मसलना है। अब मैं इसको 4 पार्ट में कन्वर्ट करूँगी और इसमें फूड कलर ऐड करूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से फूड कलर कर सकते हैं ऐड या जो आपके पास अवेलेबल है आप उसको कर सकते हैं। मैं इसमें फर्स्ट रेड कलर करूँगी, देन इस पर ग्रीन कलर करूँगी, देन इसके ऊपर मैं ब्लू कलर करूँगी और इसके अंदर येलो कलर ऐड करूँगी। आपने इसमें लिक्विड फूड कलर ऐड करने हैं, आपने इसमें ड्राई फूड कलर नहीं ऐड करने। लिक्विड फूड कलर से इसके अंदर गुठलियाँ नहीं बनेंगी। अगर आप इसको ड्राई फूड कलर ऐड करेंगे तो इसके अंदर गुठलियाँ सी आ जाएंगी और फूड कलर अच्छा मिक्स नहीं होगा, फूड के आपके क्लेडो के अंदर दाने दाने से आने लग जाएंगे। इससे सबसे बेस्ट अगर आपने रिजल्ट लेना है तो आप इसके अंदर लिक्विड फूड कलर ऐड करें और इसको हाथ से अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे तो कलर ऐड हो जाएगा। आप इसके अंदर कलर अपनी अकॉर्डिंग से डार्क लाइट कर सकते हैं, जितना आप जैसा आप लाइक करें, आप फिर लाइक करें। क्लेडो रेडी है विद कलर्स। आप देख सकते हैं कितने प्यारी कलर आए हैं क्लेडो में और आप इससे कुछ भी बना सकते हैं, आप कोई भी आर्ट प्ले कर सकते हैं किड्स के लिए। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से मेरी डॉटर इंशाकिता एंजॉय कर रही है और इसके साथ क्रिएटिविटी भी कर रही है। आपको हम चीज़ें भी बना कर दिखाते हैं।
यू कैन सी हाउ मैनी थिंग्स यू कैन क्रिएट इंजॉय मेक एंड प्लीज ट्राई एट होम फर्स्ट. से माशाल्लाह फर्स्ट फॉर इंशाल्लाह क्यूटनेस. And thank you for watching. Like, comment and subscribe my YouTube channel for more videos. Follow me on Instagram Saadiman SADIMN and my official page Food Fever by Saadia on Facebook and Instagram too. Thank you. Jazakallah khair.